अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है यूसुफ अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो है तहजीब बेकर्स इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जो है जिन एवेन्यू में यहाँ पे मैं आया हूँ, और यहाँ का मैंने आज पिज्ज़ा जो है मैंने बहुत पहले बचपन से ही खाता आ रहा हूँ। बचपन का मतलब ये कि काफ़ी आज से 10-15-20 साल पहले, जब इनकी जो ब्रांच सबसे पहले सदर में रावलपिंडी में होती थी, तो तब से कह रहा हूँ। उस टाइम इसका नाम जो है राहत बेकर्स होता था, बाद में तहजीब हो गया। सो बताना ये चाह रहा था कि यहाँ का जो पिज्ज़ा है वो वन ऑफ द बेस्ट है हमारे टाउन में इस्लामाबाद में। तो आप जब भी कोई भी विज़िट करें यहाँ पे आके मस्ट खाएं, ज़रूर खाएं। और बाकी जो है मैं आपको इसका जो है रिव्यू क्या देना वो तो टेस्ट का मुझे पता ही है, मैं तो खाता रहता हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं खाया, जो फर्स्ट टाइम खाएँ, वो मस्ट आएँ यहाँ पर और आके जो है ज़रूर ट्राई करें। सो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ यहाँ के। आज छोटा सा ब्लॉग एक इस्लामाबाद में खासतौर पर एक बेकरी है तहजीब, इसका पुराना नाम था राहत। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने के, अगर किसी ने पिज्ज़ा खाने है वो भी इस्लामाबाद में बहुत से ब्रांड्स आप खा सकते हैं, डोमिनोज है, पापा सैलिस है, पिज़्ज़ा होते हैं, 50 जगहों पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेस्ट वाइज खाना है किसी का, तो तहजीब का वन ऑफ द बेस्ट है इस्लामाबाद में, तो इसका एक उतना ही टेस्ट है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटा सा ब्लॉग था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ डिफरेंट जगहों पर, मैंने कहा मैं इस शहर का इस्लामाबाद का जहाँ पर मैं खुद रह रहा हूँ और जहाँ पर मैं घूमता फिरता हूँ, खाना पीता हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँ और आपको जगह का बताऊँ। तो आप लोग जहाँ से भी आएँ, जिस भी सिटी से आएँ, अगर इस्लामाबाद में आए, तो तहजीब बेकर्स का पिज्ज़ा जो है आपने लाजमी खाना है, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।